हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल एसटीएस ऑलराउंडर में। आज मैं आया हूँ पाम हाइट्स में, जहाँ पर 3 और 2 BHK हैं। 3 BHK भी इनके 3 टाइप के हैं, जिसमें से एक का मैं बता दूंगा, बाकी के लिए डिस्कशन में कर लूंगा। लोकेशन की बात करूँ, 4 मूर्ति से लगभग 10 मिनट की ड्राइव पर है, 3 से 4 किलोमीटर हम इसे कह सकते हैं। यथार्थ हॉस्पिटल यहाँ से 1 किलोमीटर पे है, स्टेलर जीवन सोसाइटी भी 1 किलोमीटर के अंदर अंदर है। ये इसका बेसिकली डिस्टेंस है। प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल बगल में है, मतलब यहाँ की वॉक इन पे आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह सब मिल जाएगा। मार्केट भी बिल्कुल ट्रांसपोर्ट लेवल पे, मतलब वॉक इन पर है, मार्केट का भी कोई इशू नहीं है। रही बात इसमें प्रोजेक्ट को लेकर, प्री होल्ड प्रॉपर्टी है, डॉक्यूमेंटेशन क्या है क्या नहीं है, लोन्स कहाँ से होगा, वो सारे हम डिस्कशन इसमें कर लेंगे। निशांत जी मेरे साथ रहेंगे, पूरा एक्सप्लेनेशन करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो निशान जी, कैसे हो? बस बढ़िया सर, आप बताइए। बस बढ़िया निशान जी, आज हम कहाँ आए हैं जरा बताएंगे? हम आए हुए हैं पाम हाइट के अंदर। पाम हाइट लोकेशन? लोकेशन सेक्टर 1 नोएडा एक्सटेंशन। ओके, बिहाइंड स्टेला जीवन। ओके, तो सीन क्या है इसका, क्या है प्रोजेक्ट में? ये है प्रोजेक्ट, ये टावर नंबर 1 है आपका पाम हाइट के अंदर। हाँ हाँ, ठीक है। इसमें 3 BHK है। अच्छा, एक फ्लोर पर 3 ही फ्लैट है, 1 लिफ्ट और 1 जीना है। ओके, एक लिफ्ट और जीना, एक फ्लोर पे 3 ही रहेंगे, 1, 2 और वो 3 और लिफ्ट साथ में। लिफ्ट साथ में। ओके, और ये कितने फ्लोर है टोटल ऊपर से? 4 फ्लोर की बिल्डिंग, यानी लो राइज है। लो राइज। तो क्या साइज है ये 3 BHK का? 1325 स्क्वायर फीट का साइज है। 1325 स्क्वायर फीट का 3 BHK। ये हमारा ड्राइंग ओके, ठीक है। ये ऊपर आपको फॉल सीलिंग, झूमर, पंखे, ये सारी लाइट्स वगैरह में प्रॉपर ये लगा के दूंगा। ओके, ठीक है। 10x18 का आपका ये डाइनिंग एरिया हो जाता है। ओके, ठीक है। इसी के साथ ये अपना पहला रूम आता है, 10x12 का अपना रूम साइज है। फॉल सीलिंग मैंने कर रखी है, इसमें भी पंखा लगेगा, ये टेक्चर पेंट या वॉलपेपर चॉइस ही बन रही है। ये खुर्चा हुआ या सीलिंग है? नहीं, आपको खुर्चा हुआ है, अभी पीओपी का काम चल रहा है। अच्छा, पीओपी का काम चल रहा है, ठीक है। इसी के साथ ये साफ आ जाती है वेंटिलेशन के लिए, अपना विंडो एसी आप ऊपर लगा सकते हो। ओके ओके ओके, प्रॉपरली यहां पर है, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आ जाइए, कॉमन वॉशरूम हो जाता है आपको, जिसमें अभी फिट आउट करा नहीं है। अच्छा, अभी फिट आउट करना है, फिट आउट पड़ेगा, ऊपर आपकी ग्रिड वगैरह लगेगी। ओके, ठीक है। ये आपका किचन एरिया आ जाता है, ठीक है। ये पूरा मॉड्यूलर किचन में करके दूंगा आपको ओवरऑल, ये बास्केट्स वगैरह में लगा के दूंगा, ठीक है। ठीक है, चिमनी लगेगी और आपका एक आरओ लगेगा, ठीक है। फ्रिज के स्पेस आपका ये आ जाता है सेम। ये फ्रिज का स्पेस कितना होगा, कितना फिट होगा? ये फिट, फिट, दो फिट, फिट, फिट का है। दो फिट का, दो फिट का। अगर नहीं आता आप इस तरह से भी इसको स्टैंड कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। ये आपका सेकंड रूम हो गया, जिसमें ये वार्डरोब में अटैच में आपको दूंगा ही दूंगा। हाँ हाँ, ठीक है। ये आपका आ जाता है फिर बालकनी स्पेस, बालकनी, वाइड बालकनी पूरी वाइड है, ये आप देख सकते हो। अच्छा, यहाँ काम चल रहा है, काम चल रहा है, टावर्स पे काम चल रहा है ऑलरेडी। इसी के साथ ही आपका मास्टर बेडरूम आ जाता है। दोनों बेडरूम से आपने कनेक्ट कर दिया है? कनेक्ट कर दिया है, ये यूपीवीसी विंडोज दी गई है आपको। अच्छा, एस्ट्रिक की है यूपीवीसी विंडो। रूम्स के साइज क्या है? ये 10x12 है। 10x12, ओके। ये आपको अटैच वॉशरूम हो गया, अटैच वॉशरूम है, ये मोल्डिंग लगा के दी जा रही है आपको। अच्छा, ठीक है। तो जैसे ये तो आपके रूम का, इसका फ्लैट का ओवरव्यू हो गया, इसको अगर हम बात करें इसकी, ये आपने मुझे जहाँ तक याद है आपने जब डिस्कस किया था, आपने बताया था इसके आपके 2-3 टाइप के हैं सेम। हाँ, 3 टाइप के, 3 लेआउट्स हैं। 3 BHK के 3 लेआउट हैं, मतलब आपको ये लेआउट समझ नहीं आता तो आप सेकंड वन देख सकते हैं, सेकंड नहीं समझ आता तीसरा आप अपना देख सकते हैं। अच्छा अच्छा, तीनों तरह के लेआउट्स अवेलेबल है 3 BHK में, 3 लेआउट चॉइस है वो अवेलेबिलिटी। अच्छा, इसकी प्राइस क्या है? इसकी प्राइस है 36 लाख। 36 लाख रुपीज, ओके। 36 है। लोन? लोन आपका सारे NBFC कर रहे हैं, हीरो हाउसिंग हो गया आपका, ICICI होम फाइनेंस हो गया, आधार हो गया, होम फर्स्ट हो गया, सारे बैंकिंग आपके कर रहे हैं। अब क्योंकि ये फ्री होल्ड प्रॉपर्टी होती है सारी की सारी, ये आबादी में है, ये एक्सटेंडेड आबादी की लैंड है, की लैंड है, कन्वर्जन वगैरह कोई इशू नहीं है, और रजिस्ट्रेशन और वगैरह आपको 5% की स्टाम्प ड्यूटी, 1% की रसीद है। ओके, म्यूटेशन वगैरह? म्यूटेशन वगैरह प्रॉपरली, आप चाहे खसरा नंबर आप कहेंगे तो मैं आपको खसरा नंबर आप डाल देना, खसरा नंबर आप देख सकते हैं बुलेका.com पर जाकर, बुलेका.com पे आप खसरा नंबर भी देख सकते हैं। अच्छा अच्छा,
तो निशान जी बताइए आपके पास और कौन सा साइज है इसमें? सर इसमें 2 BHK है, दूसरे वाले टावर में आपको उसमें एक फ्लोर पे 2 ही 2 BHK हैं, एक लिफ्ट और एक जीना है। 955 का साइज है, प्राइसिंग 26 लाख रुपए। ओके, इसकी आपने कितनी बताई, 34, 36, 36, 36 लाख रुपए इसकी है, उसकी उसकी 26 लाख, 26 लाख रुपए है। ये सीन है, लोन भी आपने जैसे कि बताई दिया। बाकी इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी NPCL की लाइट है, प्रीपेड मीटर लगेगा आपका, NPCL का प्रीपेड मीटर लगेगा, ठीक है। और वाटर सप्लाई? वाटर सप्लाई आपकी ऑलरेडी समर सेबल लगाई जाएगी, पानी की टंकी ऊपर रखी जाएगी, ऑटो सेंसर रहेगा, हाँ पानी हाँ का जैसे ही फ्लो कम होता है ऑटो सेंसर से चालू हो जाएगा पानी। ओके ओके ओके, ठीक है शीशान जी, आपने इन्फॉर्मेशन दी, उसके लिए थैंक यू वेरी मच।